हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं होटल लाइन में काम करता हूं एज अ सेफ, तो आज उसी चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हेल्पर, एटलीस्ट होटल इंडस्ट्री के अंदर हेल्पर को कॉमीज कहा जाता है। कॉमी वन, कॉमी टू, कॉमी थ्री, कॉमी वन से लेके एग्जीक्यूटिव सेफ तक की पोजिशन होती है। तो आज हम उसी चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉमी वन की सैलरी क्या होती है और एग्जीक्यूटिव सेफ की सैलरीज क्या होती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में क्या फेस डिफेंस करना पड़ता है। तो हमने पहले वीडियो बनाया था होटल मैनेजमेंट रिलेटेड कि क्या होता है होटल मैनेजमेंट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो था कि होटल मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन मेरा लास्ट वीडियो आप सभी जानते हैं कि मैंने बनाया था कि होटल इंडस्ट्री में क्या पोजीशन होती है, एग्जीक्यूटिव सेफ क्या होता है, हेड सेफ क्या होता है, कॉमी वन टू थ्री क्या होते हैं, सू सेफ क्या होता है, DCDP क्या होता है, उस सब के बारे में मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ। अबे आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ जाओ मेरा वो चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखो, उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। आपको उसमें नॉलेज मिलेगा कि डिपार्टमेंट में क्या पोजीशंस होती है और उनका काम क्या होता है। तो आज हम बढ़ते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि थंबनेल में तो आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ, कॉमी सेफ क्या होता है और एग्जीक्यूटिव सेफ क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, डिफरेंट बिटवीन सैलरी। ओके, तो हम आज डिसाइड करते हैं कॉमी की सैलरी फर्स्ट। कॉमी एक हेल्पर होता है जो किचन का बैकबोन होता है। उसकी सैलरी स्टार्टिंग रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटल, थ्री स्टार होटल, डिपेंड करता है आपकी किस जगह पे काम करते हो, आपका नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। हेल्पर में भी एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, अदरवाइज फ्रेशर में आपको जॉब मिलती है। जो फ्रेशर में जॉब करते हैं उन्हें ट्रेनीज कहा जाता है, नो कॉमीज नहीं कहा जाता है। तो ट्रेनिस की सैलरी तो आपके स्काईमेंट पे होता है कि आपका स्काईमेंट 3500 हो सकता है, 3500 हो सकता है, 2500 हो सकता है, 300,000 हो सकता है, आपके डिपेंड करती है, 3000 हो सकता है कि आप किस बेस पे आप काम कर रहे हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है। कॉमी की सैलरी डिसाइड करें तो स्टार्टिंग सैलरी 6000 से इंडिया के अंदर चालू होता है। कॉमी वन एज ए हेल्पर 6000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलता है, और वहीं फाइव स्टार थ्री स्टार होटल हो गया, जैसे ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल हो गया, ताज ग्रुप ऑफ होटल हो गया, ITC हो गया, JW मेरिट्स हो गया, उनमें अगर आप कॉमी में काम करते हैं, एज अ हेल्पर काम करते हैं, कॉमी थ्री काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी 15000 से 16000, अदरवाइज 20000 से भी, 20000 से भी अबो हो सकता है आपका सैलरी। डिपेंड करता है आप किस पोजिशन पर काम करते हैं और किस होटल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, आप किस प्लेस में काम करते हैं। तो वहीं पर ही जैसे रेस्टोरेंट हो गया, आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो आपकी हेल्पर की सैलरी, कॉमी की सैलरी स्टार्टिंग होती है 4000, 5000, 600 होती है। और वहीं इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, जैसे गल्फ कंट्री हो गया, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, मरीन हो गया, इधर आप जाना चाहते हैं, मालदीव्स हो गया, तो आपके हेल्पर की सैलरी क्या रहेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबके मन में होटल मैनेजमेंट करते ही एक डाउट होता है कि आगे हम जाएंगे तो किस पोजीशन पे जाएंगे, हमारी फर्स्ट सैलरी क्या होगी, हमारी फर्स्ट स्काईमेंट क्या होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर अब सबका ध्यान रहता है, सबके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं ये दूर कर दूंगा। होटल मैनेजमेंट करते ही आपको पहले ट्रेनिंग में लिया जाता है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, अच्छे अच्छे होटल इंडस्ट्री, फाइव स्टार इंडस्ट्री से आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग का काम कीजिए, वहाँ पर आप काम सीखिए, वहीं से आप आगे बढ़िए, कॉमी में लेवल में आइए। कॉमी लेवल की सैलरी होती है, किस प्रॉपर्टी में आप काम करते हो उसमें डिपेंड होता है। प्रॉपर्टी जैसे 2 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 5 स्टार, 7 स्टार प्रॉपर्टी के ऊपर के बेस पे आपको सैलरी डिसाइड किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कॉमी की सैलरी जो होती है 6000 से चालू होती है। वहीं होटल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट में, छोटे रेस्टोरेंट में या किसी रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव सेफ होता है, उसकी सैलरी 50000 होती है। और वहीं जहां 50000 सैलरी रेस्टोरेंट में होती है, छोटे होटलों में होती है, वहीं ओबेरॉय होटल हो गया, 7 स्टार होटल हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी होगी, ब्रिक प्रॉपर्टी होगी, रेसिडेंशियल्स हो गया, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उनमें एग्जीक्यूटिव सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख भी हो सकती है। वहीं अगर आप एब्रॉड के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया के अंदर एज ए हेल्पर। उसके बाद एब्रॉड के लिए आप ट्राई कीजिए, होटल मैनेजमेंट कीजिए, आप ट्राई कीजिए, जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस गेन कीजिए इंडिया के अंदर। उसके बाद आप एब्रॉड ट्राई कीजिए, तो एब्रॉड में एज अ हेल्पर, एज अ कॉमी आप जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30 से 40 हज़ार रुपये इंडिया का मिलता है। और वहीं आप कोई बड़े लेवल में जाते हैं, सू सेफ में जाते हैं, DCP में जाते हैं या एग्जीक्यूटिव सेफ में जाते हैं, तो सैलरी आपकी बढ़ जाती है। जहां आप यहां 20000-30000 कमा रहे हैं, वहीं एब्रॉड दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, उधर जाते हैं तो आप लाखों में कमा सकते हैं। एक स्किलफुल जॉब होती है एज अ सेफ इंडिया के अंदर, एज अ सेफ ना, अभी कोई हलवाई कोई नहीं कहता उसे,
ना ही कोई बावर्ची के था, जो पहले के टाइम पे हम लोग की कोई वैल्यू नहीं थी उस चीज का प्रॉब्लम था। आज ये कोट पहनना भी अपने आप में गर्व की बात है। ये कोट की रिस्पेक्ट इतनी होती है, एक बार आप पहनोगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल पे पहुंच के ये कोट को अचीव कर सकते हैं। तो उस बेस पे आपकी सैलरी डिसाइड होती है, तो आपको वो एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एब्रॉड के लिए। एब्रॉड में आपकी सैलरी हेल्पर की स्टार्टिंग होती है, लास्ट बार मैं बता रहा हूँ मेरे वीडियो में, सैलरी स्टार्टिंग होती है 30,000 से 40,000 एज ए हेल्पर की सैलरी होती है एब्रॉड दुबई में, और वहीं एजुकेटिव सेफ की सैलरी होती है 2 लाख से 3 लाख रुपए इंडिया के। तो और वहीं इंडिया में आप काम करते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि आपका सैलरी कम है। आप जस्ट अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए, अपने पॉकेट मनी के हिसाब से आप कमाइए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप एब्रॉड में ट्राई कीजिए। थैंक यू, मैं यही बताना चाहता था मेरे चैनल पे। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस डिपार्टमेंट में क्या सैलरी होती है और कौन से डिपार्टमेंट में क्या होती है, एज अ इंडियन सेफ और एज अ क्वांटी सेफ, एज अ तंदूर सेफ क्या सैलरी मिलता है। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।